हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और डिजाइनर स्लीव्स बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। ये स्लीव्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो आप इसे जरूर से ट्राई करें। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न कट कर लेना है लाइनिंग पीस पर और मैन फैब्रिक पर। ये मैंने नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न कट किया है, इसकी लेंथ मैंने 6.5 इंच रखी है। तो अब मैन फैब्रिक को साइड में रख देंगे और लाइनिंग पीस पर मार्किंग करेंगे। तो इसमें पहले स्लीव्स का सेंटर मार्क लगा लेंगे। अब स्लीव्स को फोल्ड करके रख लेंगे और ये फोल्डेड साइड की लेंथ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ ऊपर साइड से भी 3 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से दोनों साइड में 3 इंच पे मार्क कर लेना है। अब ये दोनों पॉइंट्स को हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करते हुए मिला देंगे। इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे कट कर लेना है। ये कट करने के बाद स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। अब जो ये ऊपर वाला सर्कल कट किया है, इसमें ऊपर साइड पर हम कट लगा देंगे, जिससे हमें याद रहेगा कि ऊपर वाले साइड कौन सी है। इस तरह से इसके सेंटर में एक कट लगा देंगे। तो अब इसे हम संभाल कर रखेंगे, क्योंकि ऊपर वाली डिजाइन हमें इसी से बनानी है। तो अब हम मैन फैब्रिक लेंगे, जिसमें हमने नॉर्मल स्लीव्स कट की थी, और लाइनिंग पीस को मैन फैब्रिक के ऊपर सीधी तरफ रख देंगे। अब पूरे अस्तर को पिन से अटैच कर लेंगे मैन फैब्रिक पे। अब ये सर्कल में 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे चौक से मार्क कर दे रही हूँ जहाँ पे स्टिच लगानी है, और यहाँ स्लीव राउंड साइड पे भी 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरे सर्कल में स्टिच लगा लेना है। अब स्लीव राउंड में भी स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद जो हमने राउंड में स्टिच लगाई है, वहां पे हमें मैन फैब्रिक को भी राउंड में कट कर लेना है। मैन फैब्रिक को कट करने के बाद सर्कल में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, और सारे पिंस निकालने के बाद अस्तर को हम पीछे साइड में पलट देंगे। इस तरह से ओपन वाली साइड से स्लीव्स को पलट देंगे। तो पूरी स्लीव्स को हमने पलट दिया है और इसे प्रेस से सेट कर लिया है। तो स्लीव्स के नीचे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके ऊपर वाली डिजाइन बनानी है। तो जो हमने स्लीव्स का ऊपर वाला पार्ट कट किया था, इस पे हम डिजाइन की मार्किंग करेंगे। तो इसे डबल फोल्ड में रख लेंगे। अब जो ये ऊपर वाला सेंटर है, यहाँ से हम 0.75 पे मार्क करेंगे, और अब ये मार्क के आगे फिर से 0.75 पे मार्क करेंगे, और ये लास्ट वाली मार्किंग से एक बार और 0.75 पे मार्किंग करनी है। इस तरह से हमें 3 बार मार्किंग करनी है 0.75 की। इसके बाद ये तीनों पॉइंट्स को हम नीचे वाले सेंटर पर मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। तो ये तीनों पॉइंट्स को हमने सेंटर में मिला दिया है। अब इसे कट कर लेंगे, और हमें पूरा कट नहीं करना है, लास्ट में थोड़ा छोड़ते हुए कट करेंगे, जिससे अस्तर अलग ना हो। तो इस तरह से हमने तीनों लाइन कट कर ली है। अब इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसका शेप इस तरह से दिखेगा। तो अब इसे मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो ये मैंने मैन फैब्रिक लिया है, इसकी लेंथ मैंने 8.5 रखी है और विड्थ में 13.5 रखा है। तो इतना मैन फैब्रिक लेने के बाद जो हमने अस्तर में कट किया है, उसे इसके सेंटर में रखेंगे। अस्तर का जो सेंटर वाला पैनल है, उसे हमें मैन फैब्रिक के सेंटर में रखते हुए पिन से अटैच कर लेना है, और ये पैनल के नीचे से 2 से 2.5 इंच तक का गैप रखना है। तो अब ये जितने भी पैनल्स हैं, इनके बीच में हमें 1.5 इंच का गैप रखना है, मतलब 1.5 इंच का। तो सेंटर वाले पैनल के जो साइड वाला पैनल है, वो दोनों के बीच में हमने 1.5 इंच का गैप रखा है और इसे पिन से अटैच कर लिया है। अब इसके साइड वाले पैनल में भी 1.5 इंच का गैप रखेंगे और इसे भी पिन से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारे पैनल्स में 1.5 इंच का गैप रखते हुए पिन से अटैच कर लेना है। तो एक साइड के पैनल सेट हो गए हैं। इसी तरह से हमें दूसरे साइड के पैनल्स को भी सेट कर लेना है, और ये तीनों पैनल्स को भी 1.5 इंच के गैप पर रखेंगे। तो इस तरह से हमने सारे पैनल्स को 1.5 इंच के गैप पर सेट कर लिया है।
अब इसके ऊपर साइड से हाफ इंच का गैप लेते हुए वैसे ही राउंड शेप ड्रॉ कर देना है और अंदर साइड के सर्कल में भी एज इट इज मार्क कर लेंगे। इसके बाद नीचे वाले सारे पैनल्स को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद पैनल के सेंटर से हमें 1.5 इंच का गैप रखना है और दोनों साइड वाले पैनल से भी 1.5 इंच का गैप रखेंगे और ऊपर से भी 1.5 इंच का गैप लेके सारे पॉइंट्स को मिला देंगे और एज इट इज शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो पूरी मार्किंग हमने ड्रॉ कर ली है। अब जहाँ जहाँ पे पैनल से वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। इसी तरह से हमें ऊपर साइड पे भी मार्क कर लेना है जहाँ जहाँ पे हमने कट्स लगाए हैं। तो सेंटर वाले पैनल के सेंटर में दूसरी चौक से मार्क कर रही हूँ जिससे हमें सेंटर याद रहे। तो यहाँ पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम एज इट इज कट कर लेंगे। कट करने के बाद पिंस निकालकर अस्तर को निकाल लेंगे। तो जैसा ये मेन फैब्रिक का शेप दिख रहा है वैसे ही हमें एक अस्तर कट कर लेना है। तो हमने वैसा ही शेप में अस्तर कट किया है। अब अस्तर के ऊपर मैन फैब्रिक को रख के पिन से चारों साइड पे अटैच कर लेंगे। तो पिन्स अटैच हो गई हैं। अब चारों साइड में स्टिच लगा के अस्तर को मैन फैब्रिक में अटैच कर लेना है। इस तरह से चारों साइड में स्टिच लगा लेंगे। अब सारे पिन्स को निकाल लेना है। अब ये जो मार्किंग की है हमने इसकी प्लेट्स बनाएंगे। तो सेंटर के साइड वाली जो मार्किंग है ये दोनों ऊपर और नीचे वाली मार्किंग की इस तरह से क्रॉस में प्लेट्स बनाएंगे और इसे सेंटर में मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। हमें सिर्फ नीचे वाले मार्किंग को सेंटर में रखना है। तो अब इसी तरह से हमें सेंटर के दूसरे साइड वाली मार्किंग की प्लेट्स बनाना है। तो ये दोनों मार्किंग को भी क्रॉस में रखते हुए सेंटर में मिला देंगे और इसे भी पिन से अटैच कर लेंगे। और ये जो लाइन ड्रॉ की है नीचे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में मिलनी चाहिए। अब इस साइड की प्लेट्स को भी क्रॉस में रखते हुए सेंटर में मिला देंगे और सेंटर में मिलाते हुए इसे भी पिन से अटैच कर लेना है। अब सेम इसी तरह से दूसरे साइड की मार्किंग की भी प्लेट्स बना लेना है और इसे भी सेंटर में मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से सेंटर की दोनों साइड की हमने दो दो प्लेट्स बना ली हैं। अभी लास्ट की दोनों साइड की मार्किंग बची है तो इसे भी क्रॉस में लेते हुए सेंटर में मिला देंगे। और ये सारी प्लेट्स को हम क्रॉस में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सिर्फ हमें नीचे वाली मार्किंग को सेंटर में मिलाना है। तो इसी तरह से अब लास्ट वाली मार्किंग की भी प्लेट्स बना लेंगे और ये सारी प्लेट्स को बिल्कुल सेंटर में नहीं मिलाना है, हल्का सा गैप छोड़ते हुए रखना है। तो सारी प्लेट्स सेट हो गई हैं। अब इसमें स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से पिंस निकालते हुए पूरी प्लेट्स में स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगा ली है। अभी ये डिजाइन को हमें स्लीव्स में अटैच करना है। तो ऊपर वाले डिजाइन में हमें ऊपर साइड में स्लीव्स का शेप देना है। इसके लिए मैंने नॉर्मल स्लीव्स पेपर कटिंग ली है। तो आप पेपर कटिंग का सेंटर मार्क लगा लेंगे और जो हमने ऊपर की डिजाइन बनाई है उसके सेंटर को और पेपर कटिंग के सेंटर को मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। इसके बाद दोनों के नीचे वाले सेंटर को भी पिन से अटैच कर लेना है। तो दोनों तरफ पिन से अटैच हो गए हैं। अब पूरी स्लीव्स को पेपर में अटैच कर लेंगे। इस तरह से पूरी स्लीव्स में पिंस अटैच कर लेंगे और ध्यान रहे कि ऊपर साइड में हमें कोई प्लेट्स नहीं लेनी है। ऊपर साइड से नॉर्मल स्लीव्स जैसा ही अटैच करेंगे। तो अब पूरे में हम स्टिच लगा लेंगे। जैसा हमारा पेपर का शेप है स्लीव्स का वैसे ही हमें स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद सारे पिंस को निकाल लेंगे और जो बाहर से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हमें नीचे वाली स्लीव्स को अटैच करना है। तो पहले हम मेन स्लीव्स में सेंटर मार्क कर लेंगे और इस सेंटर मार्क को डिजाइन के सेंटर में मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। इसके बाद इस स्लीव्स के पूरे राउंड को डिजाइन के नीचे हमें पिन से अटैच कर लेना है। तो पूरे राउंड को हमने पिन से अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसमें स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें पिंस को निकालते हुए पूरी गोलाई में स्टिच लगा लेना है। स्टिच लगा ली है। सारे पेपर को निकाल देंगे।
अब ये जो डिज़ाइन का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम साइड साइड से कट कर लेंगे। अब स्लीव्स को सीधी साइड में रख लेंगे और स्लीव राउंड में ये लेस अटैच कर रही हूँ। इस तरह से लेस अटैच कर लेना है। अब ये ऊपर साइड में मैं ये डिजाइनर लेस अटैच कर रही हूँ। इस तरह से लेस को राउंड में लेते हुए अटैच कर लेंगे और लेस को हम पूरा कॉर्नर तक अटैच नहीं करेंगे क्योंकि स्लीव्स को हमें ब्लाउज में अटैच करना है। तो स्लीव्स डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज आपको ये स्लीव्स डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी ये स्लीव्स को हम ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। इस तरह से स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। और जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं उसी तरह से हमें ये स्लीव्स भी अटैच करनी है। ऊपर साइड से कोई भी प्लेट्स नहीं लेनी है। इसी तरह से स्लीव्स के दूसरे साइड भी स्टिच लगा लेंगे। तो ब्लाउज में हमने मेन फिटिंग भी लगा ली है। तो आप देख सकते हैं स्लीव्स अटैच होने के बाद इसका लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और गाइज आपको ये डिज़ाइन पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये पोटली बटन नेक का फुल वीडियो चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।